हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख सलमान है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 339th रैंक सिक्योर किया है और मेरा ऑप्शनल जो है वो उर्दू लिटरेचर है। उर्दू लिटरेचर को मैंने चूज़ किया और उर्दू लिटरेचर से ही मैंने दो बार मेंस लिखा है। पहले जो मेरा ऑप्शनल था वो सोशियोलॉजी था, लेकिन सोशियोलॉजी में मैं कंफर्टेबल नहीं था और मैंने सोशियोलॉजी बहुत एनालिसिस करके नहीं लिया था, इसलिए मैंने 2015 में जो मेरा ऑप्शनल है वो चेंज करके उर्दू लिटरेचर लिया और उर्दू लिटरेचर से ही मैंने 2016 में मैंने मेंस लिखा था। तो 2016 में मेरा जो मार्क्स आया था वो 275 मार्क्स था मेरा, मैंने फर्स्ट टाइम जब मेंस लिखा था। इनफैक्ट जो मेरे एफर्ट्स थे वो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में ज़्यादा थे, जब मैंने सेकेंड टाइम में उर्दू से लिख रहा था सेकेंड मेंस इन 2017। बट यूपीएससी इज़ यूपीएससी, इसमें मेरा मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो गया है। वो हुआ है 265 अप्रोक्सीमेटली, समथिंग इतना ही है। यहाँ पे मैं मेरी सबसे पहले स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, स्पेशली उर्दू एज ऑप्शनल से रिलेटेड। उर्दू ऑप्शनल जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शनल, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल मैं समझता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक मादरी ज़ुबान, बहुत सारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनकी मादरी ज़ुबान है। तो मादरी ज़ुबान में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या लिखते हैं या समझते हैं तो उसका ग्रास्पिंग पावर हमारा बहुत ज़्यादा होता है। एक फैक्टर ये अफेक्ट करता है, दूसरा ये होता है कि आप उसमें बहुत कम्फर्टेबल हो और बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। तो इसीलिए मैंने भी उर्दू को ऑप्शनल चुना था। उर्दू में मेरा जो अप्रोच रहा है वो मैंने पेपर वन जब आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया ऑप्शनल, मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको उर्दू एक तो अच्छे से समझनी आनी चाहिए, उर्दू की वोकेबलरी होनी चाहिए आपके पास में, और उर्दू आप बहुत अच्छे से लिख सको, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका एडवांटेज भी होता है और फ़ायदा भी मिलता है। तो जब मैंने उर्दू ऑप्शनल लिया तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई कि जो पेपर वन है मैं उसमें से पार्ट ए को टारगेट करता था कि इसमें, क्योंकि हमको जब हम पेपर लिखते हैं तो 250 मार्क का पेपर होता है, लेकिन हमको विद ऑप्शंस पेपर आता है। तो ऑप्शंस में से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसमें से 150 मार्क्स का टारगेट करता था और यहीं से मैं इसको मतलब मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता था। इसके लिए ये पार्ट, इस पार्ट के लिए मैंने जो बुक पढ़ी है वो मिर्ज़ा खलील बेग की जो लिसानी तश्कील है, लिसानी तश्कील है, तो ये बुक मैंने पढ़ी है। और इनफैक्ट जितने भी लोग उर्दू मीडियम से उर्दू को एज ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं तो मैक्सिमम लोग यही जो बुक है उसको फॉलो करते हैं। बस काम इतना कीजिएगा कि इसको आप ज़ीरो डाउन कीजिएगा और इसके एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बहुत क्रिस्प आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जिसकी वजह से आप इसको याद कर सको। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, तो इसमें ये बहुत आसान कर देता है अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर तो करना है, उसके बाद में उसको रट्टा मारना है, क्योंकि इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पेपर को आप रट्टा मार लो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदलती नहीं है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम ही क्वेश्चंस हर साल मतलब या हर दूसरे साल में तीसरे साल में पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट के लिए मेरा अप्रोच ये था। पार्ट बी में से पार्ट बी में जो है वो असनाफ़ है, जो स्पेशली उर्दू के शेर व शायरी वाला है, नसर वाला पार्ट है। तो इसमें से कुछ तहरीकें हैं इसमें, देन उसके बाद में इसमें
तनकीद निगार है, मज़मून निगारी है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से आप जिस एरिया में कंफर्टेबल हो उसी एरिया के आप क्वेश्चंस टारगेट करें। जैसे कि तनकीद निगार में मैं कंफर्टेबल हुआ करता था, क्योंकि ये एक बार आपको पढ़ना है और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप मतलब स्कोर कर सकते हैं। तनकीद निगारी है, देन उसके बाद में बहुत सारी मूवमेंट्स है, तहरीकें हैं, तो या तहरीकें या स्कूल्स है, बहुत सारे जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट है, ठीक है, दिल्ली स्कूल है, उसके बाद में दक्षिण स्कूल है, तो ऐसे स्कूल्स में मैं कंफर्टेबल होता था, तो मैं इनको टारगेट करता था। इसके लिए मैंने सुम्बुल निगार जो बुक है उसकी दो जो बुक है कि सुम्बुल निगार शायरी वाला जो एक है और एक नसर वाला पार्ट है, तो दोनों को मैंने फॉलो किया है। इसके अलावा मैंने नू सिद्दीकी के जो नोट्स है वो फॉलो किए हैं, स्पेशली नसर वाले के, नसर के जो डिफरेंट असनाफ है, शायरी के जो डिफरेंट असनाफ है और तहरीकों वगैरह के लिए वो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से मैंने पार्ट टू को, पार्ट बी जो है उसको टारगेट किया है। पेपर टू में भी पार्ट ए और पार्ट बी है। ये पेपर एक्चुअली ऐसा है कि ये जो बुक्स वगैरह या शायरी वगैरह इसमें की हुई है उर्दू में, उसके लिए उससे रिलेटेड चीज़ें। तो पार्ट ए में जो है वो नसर है और पार्ट बी में जो है वो शायरी वाला पार्ट है। अब बहुत सारे लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद होता है, तो क्योंकि शेर व शायरी इसमें पढ़ने को मिलती है, पढ़ने का मौका मिलता है। मैंने इसमें क्या किया था, इसके लिए मेरा अप्रोच ऐसे था पार्ट स्पेशली पेपर टू के लिए कि फॉर एग्जांपल इसमें 7 राइटर्स है, इसमें 7 शायर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या इसी अप्रोक्सीमेटली इतने ही हैं। तो मैंने क्या किया कि इनके जो एक एक शायर या नसर निगार है, तो हर शायर के मैं एक पेज पे उनकी सारी डिटेल्स लिख लिया करता था कि उनसे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनकी बुक्स के नाम है, उन्होंने जो काम किया है, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे है, वो किस चीज़, किन लोगों से इंस्पायर थे, ठीक है, उन्होंने जो जो बुक हमको रेफरेंस में दी गई है, जैसे मीरामन है या कोई और है, तो उसमें, उस बुक में उन्होंने क्या लिखा है, तो एक पेज में शॉर्ट में मैं लिख लिया करता था कि उस उन शायर का या नसर निगार का क्या इंट्रोडक्शन है। तो उस पेज में, उसी पेज को फिर मैं बार बार रिवाइज भी करता था। उसके बाद में और एक उसके पेज के पीछे में मैं क्या किया करता था कि इनकी जो किताब है, जैसे कि खुतूत गालिब, तो खुतूत गालिब से मैं कुछ स्टेटमेंट निकाल लिया करता था कि जो खुतूत गालिब के, जब भी हम खुतूत गालिब पे कोई आंसर लिखे तो हमारे पास एक तो इंट्रोडक्शन गालिब से रिलेटेड है और गालिब की नसर निगारी से रिलेटेड है। तो इसके बाद में मैं क्या किया करता था कि इनके मैं कुछ कोट करता था, कुछ एग्जाम्पल्स मैं इनमें से कोट करता था कि खुतूत गालिब से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाइन्स उठा कर, लाइन्स मैंने ले लिए थे, 15 से 20 लाइंस जब मैंने उसमें से ले लिए, तो जब मैं आंसर लिखता था तो वो बहुत उसमें एग्जांपल्स कोट करने के लिए मेरे पास में एम्पल एग्जांपल्स हुआ करते थे। देन उसमें जो पार्ट बी है, पार्ट बी को, पार्ट बी में भी यही करना है कि ये जो पार्ट बी है इसमें भी क्या करना है कि जो शायरी वाला पार्ट है, तो अलग अलग शायर है, जैसे कि गालिब है, ठीक है, गालिब की जो खसूसियात है उनको एक पेज पे लिख लेना है, ठीक है। जब गालिब की खसूसियात को आपने एक पेज पे लिख लिया, तो उसके बाद में आपके पास में इनके जो की पॉइंट्स है या जितने भी आपको वर्ड्स मेंशन करना है वो सारे आप एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए और एक ही पेज पे लिखिए। शॉर्ट एंड क्रिस्प जब रहता है तो रिवीजन बहुत बार होता है, क्योंकि हमको मेंस का जो ये पेपर है, ये हमको एग्ज़ाम का जो हमारा ड्यूरेशन है उसके सबसे आखिरी में लिखना होता है। तो अगर हमारे पास में क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे तो रिवीजन में बहुत दिक्कत होती है। और स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम मेंस के 7 से 8 पेपर मेंस के जो पेपर लिखते हैं हम
जैसे जीएस के लिखते हैं तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, और इंग्लिश के कंसिस्टेंटली इतने पेपर लिखने के बाद में सडनली आपको स्विच ओवर करना होता है ऑप्शनल पे। तो ऑप्शनल पे क्योंकि उर्दू लिटरेचर है और उर्दू आप एक डिफरेंट साइड से आप लिखते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अगर आपका रिवीजन रहेगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है। ये शॉर्ट नोट्स खसूसियात आपने पूरे गालिब की जमा कर ली। देन गालिब की शेर व शायरी में से आपको अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 शेर्स निकालने हैं जो आपको अच्छे लगते हो, प्लस साइमल्टेनियसली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो 15 से 20 शेर आपने निकाले हैं ये अलग अलग एरिया से हो, जैसे कोई गम पर हो, कोई खुशी पर हो, कोई इश्क पे हो, कोई विसाल पे हो, कोई तसव्वुफ पे हो, ठीक है, किसी में गालिब की थिंकिंग झलक रही हो, ठीक है। तो इस टाइप में मैं क्या किया करता था कि 15 से 20 शेर निकाल लिया करता था और उनको मोबाइल में रिकॉर्ड करके बार बार आपको सुनना है, ताकि वो आपको बाय हार्ट हो जाए और जब भी ज़रूरत हो तो बिना सोचे वो आपके लब पर आ जाए और आप फट से उसको लिख लिया करें। तो ये मेरा अप्रोच था स्पेशली पेपर 2 को लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से देन उसके बाद में आप क्या और एक कर सकते हो कि जब आप गालिब पे लिख रहे हो तो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल गालिब के आप मतलब जैसे कि आप लिख रहे हो कि गालिब जो है वो अपने शायरी में, उनकी शायरी में गम मिल रहा है, ठीक है, या उनकी शायरी में दुख दर्द मिलता है, तो आप मीर को कोट कर सकते हो कि मीर के यहाँ पे भी सेम टाइप के शेर मिलते हैं, मीर के पास भी सेम सेम टाइप की थिंकिंग मिलती है। तो इससे क्या होगा कि आपका आपका जो क्लैरिटी है या आपकी जो रीडिंग है बहुत वास्ट है, ये एक शो होगा एग्जामिनर को, जिसका एडवांटेज डेफिनेटली आपको होगा। तो इस तरह से मैंने मेरे जो पूरा अप्रोच था इसका उर्दू ऑप्शनल का, तो उसको मैंने रखा था। इसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है आंसर राइटिंग के। आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट है, आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या किया करता था कि प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें क्योंकि कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होती है या कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग आंसर इज द प्रीवियस ईयर पेपर। आई विल सजेस्ट कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 साल के जो पेपर है वो प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली उनका थीम रिपीट हो जाता है, या सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, या तो उनका जो कंटेंट है वो एज इट इज सेम होता है, कि जिस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, जस्ट आपको क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी होती है। तो मटेरियल सेम है, आंसर सेम है, स्पेशली उर्दू लिटरेचर के हद तक अगर आप देखें तो चीज़ें सेम है। जैसे कि गालिब पे अगर इस साल क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आने वाला है। तो आप अगर गालिब पे अगर कभी 5 साल के प्रिपेयर कर लोगे तो आपका गालिब पे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि गालिब पे अगर अभी कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देन क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि मैंने उर्दू मीडियम के जितने भी कैंडिडेट्स देखे हैं उनमें एक 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 कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट बहुत कम देते हैं, क्योंकि सबसे जो कम प्रोडक्टिव टाइम रहेगा उसमें उर्दू को पढ़ेंगे, या तो कोई उसका वो टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं या कोई टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए मार्क्स भी एवरेज ही मिलता है। और अगर आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने होंगे। इस तरीके से मेरा ओवरऑल अप्रोच है, और साथ में साथ हम आगे के भी लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं दूसरी चीज़ों को भी टारगेट किया करता था। इस सीरीज़ में स्पेशली हम देखेंगे कि मैं जो इसमें पार्ट कवर करने वाला हूँ, इसमें स्पेशली
उसमें आ जाएंगे वो, हम वो ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट ए में जो पेपर 1 है उसका जो पार्ट ए है उसमें से हम कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा कि वो है जैसे फॉर एग्जांपल दखनी उर्दू का आगाज़ और इर्तिका। उसके बाद में मैं जो सेकंड टॉपिक कवर करूंगा वो है उर्दू की समाजी, तहजीबी जड़ें। देन थर्ड टॉपिक इसमें जो आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो दो ये टॉपिक है और ये जो तीसरा वाला है उर्दू के आगाज के मुख्तलिफ नजरियात। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और डेफिनेटली इसमें पूछा जाता है, तो ये हम तीन टॉपिक जो है वो पार्ट ए पेपर 1 का जो पार्ट ए है यहाँ से हम ये तीन टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। देन उसके बाद में हम कवर करेंगे पार्ट पेपर 2 का जो पार्ट पेपर 1 का जो पार्ट 2 है, पेपर 1 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 सॉरी। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उर्दू असनाफ में से जो नसर वाला पार्ट है वो नूर सिद्दीकी के जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे शायरी वाला पार्ट फर्स्ट। देन सेकेंड हम देखेंगे कि जो तनकीद निगारी है, जैसे कि मैंने कहा कि तनकीद निगारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तनकीद निगारी वाले हम पार्ट भी मैं कवर करूँगा। देन उसके बाद में जो हम देखेंगे स्पेशली पार्ट पेपर 2 में अगर हम जाए कि पेपर 2 में भी हमको कुछ एरियाज कवर करने हैं, वो हम देख लेंगे क्या है। पेपर 2 में जो पार्ट ए है इसमें से हम देखेंगे कि मीरामन जो है, ठीक है, मीरामन की एक जो बुक है या उनके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो हम मीरामन में कवर करूँगा। देन उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो खतूत गालिब है। खतूत गालिब एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देन थर्ड जो इसमें चीज़ आएगी वो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजेंद्र सिंह बेदी। तो इस तरीके से मैं पार्ट ए जो है पेपर 2 का वो कवर करूँगा। देन उसके बाद में जो पेपर 2 है उसका जो पार्ट 2 है उसमें से कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में जो टॉपिक आते हैं उसमें एक्चुअली शायरी होती है, तो शायरी वाले पार्ट में से अगर हम देखें तो शायरी वाले पार्ट में से मैं इकबाल कवर कर लूँगा, अल्लामा इकबाल जो है वो मैं कवर करूँगा। देन उसके बाद में फिराक गोरखपुरी जो है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। देन मीर तकी मीर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें और एक बच जाता है वो है अख्तरुल ईमान। तो इस तरीके से आप देखना कि हम अप्रोक्सीमेटली एक इसमें पूरा होलिस्टिकली सिलेबस कवर कर लेंगे कि जो चीज़ें हमारे सिलेबस में दी गई है। तो हम हमारा जो आज का पहला पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं कि दक्कन में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
दक्कन में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका को का जो अप्रोच रहेगा, हम इससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि दक्कन में उर्दू कैसे गई है, देन उसके बाद में उर्दू में वहाँ पे किन किन बादशाहों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन सी सल्तनत उसमें इन्वॉल्व रही है, किस टाइम में उर्दू वहाँ पे गई है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद में उसको क्या रिस्पॉन्स मिला है वहाँ पे, ठीक है, कैसे उस टाइम के सियासी सामाजिक और माशी और मजहबी हालात उस वक्त में थे, इन चीज़ों को हम समझेंगे। उन चीज़ों के बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो सूफिया इकराम्स थे, तो दक्कन में जो सूफिया इकराम है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग फेज़ में, क्योंकि सूफिया इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद में दक्कन में उर्दू के असबा, मतलब वहाँ पे क्यों उर्दू इतनी फ्लरिश हुई है, क्यों उर्दू में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो हम देखेंगे कि दक्कन में उर्दू ज़बान का क्यों उसके असबाब क्या रहे हैं उसके फलने और फूलने के। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देखेंगे कि दक्कनी की जो खसूसियात है, कि उसकी कुछ स्पेशल खसूसियात है, कि जो शुमाली हिंदुस्तान में जो उर्दू बोली जाती है उससे अलग कुछ हटके इसमें अलग खसूसियात है, तो वो क्या खसूसियात है स्पेशली, ये एक पूरा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। आपने सुना होगा कि जो उर्दू है वो उसकी जो पैदाइश है उसे पैदाइश से रिलेटेड तो बहुत सारी अलग अलग थेरीज है, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थेरी है उसको अगर हम देखें, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि उर्दू का जो पैदाइश है वो शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली व नवाए दिल्ली के इलाके में हुई है, इस रीजन में, मतलब दिल्ली उर्दू की पैदाइश हुई है। लेकिन जैसे जैसे सियासी सामाजिक और मज़हबी हालात या उस वक्त के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे या पॉलिटिकल कंडीशंस थे, तो उसकी वजह से उर्दू में स्पेशली यहाँ उर्दू तो ऐसे पैदा हुई थी कि जो मुस्लिम लोग इधर से वेस्ट एशिया से जो यहाँ पर आए थे हुकूमत करने के लिए या तिजारत करने के लिए, तो इनके इन इनके आने के बाद में लोकल जो लैंग्वेजेस है उसमें जब उर्दू उसमें जब अरबी और फारसी के अल्फाज ये वगैरह मिलते हैं, तो उससे जो एक ज़ुबान बनती है, नई ज़ुबान बनती है, उसका नाम उर्दू है। लेकिन जब ये प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का एक लैंग्वेज के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और स्पेशली जब ये एक 13वीं सदी के आसपास में पहुंचता है, तो 13वीं सदी के आसपास में यहाँ से ये उर्दू ज़ुबान यहाँ आती है, ये डेक्कन, तो ये दक्कन का इलाका, इस इलाके को दक्कन का इलाका कहते हैं। और यहाँ पे जो ज़ुबान बनी है या यहाँ पे जो ज़ुबान जो उर्दू ज़ुबान आई है इसी को दक्कनी उर्दू भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि दक्कन में उर्दू का आगाज़ हुआ इर्तिका, जब शुमाल में वो एक फल फूल गई या थोड़ा सा वो डेवलपमेंट के स्टेज पे आ गई थी, उसके बाद में यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर कैसे आई है ये हमको देखना है, और वो प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और वो किस तरीके का ट्रांजिशन फेज़ रहा है उर्दू के लिए। लेकिन ये उर्दू का जो पौधा है जो जिसका बीज यहाँ बोया गया था शुमाल में, ये फ्लरिश यहाँ पे आके हुआ, और यहाँ पे से उसको फ्लरिश हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, तो ये फिर से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और फिर से उर्दू एक बार शुमाल में फिर से उसने, मतलब उसको फल फूल फिर से वहाँ लगे जाकर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उर्दू कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हुई। अब देखते हैं हम कि दक्कन में कैसे उर्दू आई। दक्कन में जब अलाउद्दीन खलजी जो है वो 13th सेंचुरी में, मैं एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसकी वजह से समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से उर्दू जो है वो दक्कन से शुमाल से दक्कन की तरफ में आई है शुमाली हिंदुस्तान से। तो इसमें सबसे पहला जो रोल आता है या नाम आता है वो है अलाउद्दीन खलजी।
अलाउद्दीन खलजी जो थे उन्होंने दक्कन पे हमला किया, और दक्कन पे हमला करने के बाद में उनके जो वहाँ पे यादव डायनेस्टी या जो भी डायनेस्टी थी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। जो भी उनके एम्बिशंस थे, पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, तो उसकी वजह से उन्होंने हमला किया। और हमला करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना जो एक जनरल था मलिक काफूर, उसको दक्कन का उन्होंने गवर्नर बना दिया, और वहाँ पे मलिक काफूर का अपॉइंट किया। लेकिन मलिक काफूर के साथ साथ में इनके बहुत सारे सिपाही गए, और बहुत सारे इनके साथ में काम करने वाले गए जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। तो इन लोग की जो आपस की बातचीत की जुबान थी, या बोल चालने की जो जुबान थी, या जो इनके साथ में लोग ताजिर लोग गए थे, इनकी जो जुबान थी वो कम्युनिकेट करने की आपस में, वो जुबान उर्दू थी। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उर्दू जो ट्रैवल हुई, इससे पहले भी ताजिरों ने इसको यहाँ तक लेकर आ गए थे उर्दू ज़ुबान को, लेकिन स्पेशली जब उसका आना हुआ तो वो मलिक काफूर के जो दक्कन पे हमले थे। और स्पेशली ये 13th सेंचुरी के आसपास में हुआ था। 13वीं सदी के आसपास में ये प्रोसेस हो रहा था। तो 13वीं सदी के आसपास में जब अलाउद्दीन खलजी ने हमले किए, तो उनके साथ में उर्दू दक्कन में आई। दक्कन में आने के बाद में थोड़ा वक्फा गुजरा। थोड़ा वक्फा गुजरने के बाद में एक बहुत मशहूर बादशाह है, जैसे कि उनका उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सेकेंड टाइम, जब ये फर्स्ट टाइम हो गया कि उर्दू यहाँ पर आ चुकी थी, सेकेंड टाइम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपने इनोवेशंस और क्रिएटिविटी और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने 14th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जो हिस्टोरिक डिसीजन रहा है, कि 30 उन्होंने जो दिल्ली एज अ पायतख्त था अभी तक के, इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से दौलताबाद को अपना कैपिटल बना दिया। अब जब ये कैपिटल शिफ्ट होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कैपिटल शिफ्ट करने के लिए क्या नहीं लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, रिलीजियस लोग उसमें मतलब साथ में, क्योंकि जब उनकी फैमिली पूरी ट्रांजिशन होती है, पूरी फैमिली शिफ्ट होती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है दिल्ली से कूच करके वो इसकी दक्कन की तरफ आए, दौलताबाद की तरफ आए। क्योंकि उनको दक्कन में या उनको साउथ में, साउथ इंडिया में उनका एम्पायर को फैलाना था, या एस्टेब्लिश करना था, या जो भी उनके एम्बिशंस रहे हैं, लेकिन वो जब आए दिल्ली, जो कैपिटल शिफ्ट होने का प्रोसेस रहा है, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1327 के करीब में रहा है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जब कैपिटल शिफ्ट हुई, तो कैपिटल शिफ्ट होने के साथ साथ में बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हुई, बहुत सारे सूफी अकराम उनके साथ में आए, बहुत सारे ताजिर उनके साथ में आए, बहुत सारे एकेडमिशियन या जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग जो अपनी मसरूफियात रखते थे, वो लोग इनके साथ में आए। और इसी तरीके से एक पूरा एक नया वो शहर बसा, और वहाँ पे लोग रहने लगे। अब ये जो लोग आए थे, ये यहाँ की जो बोली लेकर आए थे वो उर्दू लेकर आए थे, जो जुबान लेकर आए थे वो उर्दू लेकर आए थे। और यहाँ पर क्योंकि ये जो ख़ानदान है वो हिंद आर्याई ख़ानदान है, जो ऊपर के पार्ट में बोला जाता है वो हिंद आर्याई है, और नीचे जो पार्ट में बोला जाता है वो द्राविड़ है, द्राविड़ है। तो अलग अलग जुबान के खानदान है। अब इसके वजह से क्या हो रहा था कि लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, लेकिन इस वजह से इनको क्या, तो भी इनको क्या करना था कि एक ऐसी जुबान सेलेक्ट करनी थी जो इनके बीच में एक राब्ते की जुबान बन सके। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जो एक राब्ते की जुबान है, वो जुबान लोगों ने वहाँ पे, जो आवाम थी और स्पेशली आम लोग थे, उन्होंने जो इसको जुबान को चुना वो थी उर्दू जुबान। तो
तो इस तरीके से उर्दू ज़ुबान का यहाँ पे मतलब सेकंड टाइम में आना हुआ, और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत उर्दू को फ़रोग मिला, उर्दू को एक अपनी आइडेंटिटी मिली, उर्दू को लोगों ने अपने सराखों पे रखा और उर्दू को अपनी मादरी ज़ुबान कबूल किया। उसके बाद में यहाँ पे लोगों को एक इंडिविजुअल अलग से तहजीब ही बन के आई। फिर उसके बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से चले गए दिल्ली से दौलताबाद से, वो क्योंकि वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने थोड़े दिन के बाद में डिसाइड किया कि जो कैपिटल है उसको फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली शिफ्ट करने के बाद में भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर उनको रहने के लिए अच्छा लग रहा था, उनका फैमिली वहाँ पे सेटल हो गई थी, या उनके जो मामलात हैं वो वहाँ पे अच्छे जम रहे थे, तो उनके बाद में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपने दक्कन को या दौलताबाद को या उस जहाँ जहाँ वो रुके थे उसी रीजन को, या सूफी इकराम जो वहाँ पे रुके थे उन्होंने दावत या तबलीग का काम को आगे बढ़ाने के लिए इसी एरिया को अपना मतलब वो हमेशा के लिए कायम व दायम हो गए। तो इसके बाद में जो एक थर्ड फेज़ आता है, ये तो सेकंड टाइम में आपने देख लिया कि सेकंड टाइम में कैसे उर्दू आई, फर्स्ट टाइम में कैसे आई, थर्ड जो टाइम आता है कि जब शुमाल या मुगलिया हुकूमत से अलग एक जब अलग सल्तनत बनती है, और वो है बहमनी सल्तनत। तो बहमनी सल्तनत के टाइम पर भी बहुत सारे मतलब जब ये हुकूमत बनी, तो बहमनी सल्तनत क्या थी कि इनकी शुमाल से बहुत कट्टर दुश्मनी थी, दुश्मनी बहुत सारे रीजंस की वजह से थी। तो ये जो दुश्मनी थी ये उर्दू के लिए कारणएक साबित हुई, कि उर्दू के लिए कारणएक इसलिए साबित हुई क्योंकि ये जो शुमाल में बादशाह थे या जो मुगलिया हुकूमत थी वो फारसी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा उन्होंने वहाँ पे वो दर्जा था, लेकिन उर्दू में जब ये बहमनी सल्तनत का क़याम हुआ तो वहाँ पे एक ज़ुबान की ज़रूरत थी जो सरकारी ज़ुबान का दर्जा ले सके और लोगों में भी आम रहे, लोग भी उसको एक्सेप्ट कर सके, तो वो काम उर्दू कर सकती थी क्योंकि उर्दू का पहले से ही बोलचाल दक्कन में था, तो उर्दू को एक सरकारी ज़ुबान का दर्जा यहाँ पे मिला। और बहमनी सल्तनत के जो अलग-अलग बादशाह रहे हैं उन्होंने अपने दरबारों में अपने जो भी मसरूफियात रही है उसमें उर्दू का बहुत इस्तेमाल किया है, और इनफैक्ट इसमें बहुत सारे बादशाह जो रहे हैं वो खुद भी उर्दू में शायरी किया करते थे, उर्दू में कलाम लिखा करते थे, तो इस वजह से जो उर्दू को फ़रोग मिला है उसमें जब ये सरकारी ज़ुबान करार पाने के बाद में उर्दू में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी। तो उसके बाद में और एक जो ये थर्ड थर्ड टाइम आपने देख लिया कि थर्ड टाइम बहमनी सल्तनत के क़याम के टाइम पे उर्दू को मतलब बहुत फ़रोग मिला, यहाँ पे इन्होंने सूफी इकराम को फ़रोग दिया ताकि वो उर्दू में मतलब वो मतलब अपनी ज़ुबान में जो है तो अपनी तबलीग व इशाअत का काम कर सके। उसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो शुमाली हिंदुस्तान में जो लोग थे या जो हुकूमत थी वो सुन्नी थी, और बहमनी सल्तनत और जो नीचे दक्कन में जो हुकूमत थी वो शिया थी, तो यहाँ पे स्पेशली मरसिया या कसीदे गोई इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिला, और दुनिया के बेहतरीन मरसिये जो है वो बहमनी सल्तनत या दक्कन में जब उर्दू फली और फूली तो वहाँ पे लिखे गए। तो इस तरीके से सारी ही नसरों में सारी ही सिंफों में यहाँ पे काम होने लगा, यहाँ पे गज़लें लिखी गई, गीत लिखे गए, यहाँ पे जो है तो मरसिये लिखे गए, कसीदे लिखे गए, रुबाइयाँ लिखी गई, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब बहमनी सल्तनत में काम हुआ, और इसकी एक स्पेशलिटी और ये है कि यहाँ पर जो था एक हुब्बुल वतनी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि हमको हम नॉर्थ इंडिया से या शुमाली जो हुकूमतें हैं उनसे हम अलग हैं, तो ये हुब्बुल वतनी के कंसेप्ट से जो है तो रीजनल जो हिंदुस्तानी जो अनासिर आने लगे, कि एक क्वेश्चन बहुत सा बार पूछा जा सकता है कि दक्कन में हिंदुस्तानी अनासिर,
तो वो चीजें जो है वो यहां से आने लगी कि उसका जो, अगर आप क्रक्स देखें तो क्रक्स ये है कि ये हुब्बुल वतनी का जो उनका उनका जो हुब्बुल वतनी को जो इजहार था, या हुब्बुल वतनी को अपनी जुबान में या अपने एक अलग दिखाना था, तो हुब्बुल वतनी के लिए वो क्या करते थे कि हिंदुस्तानी अनासिर, इसकी वजह से क्या हुए कि जो रोजमर्रा के मामलात थे, जो पहनने ओढ़ने के उनके सामान थे या उनके नाम थे, वो शायरों शायरी शेरों शायरी में दिखाई देते हैं। देन उस टाइप के जो रसूम है, रस्म व रिवाजात है, देन उस टाइप के जो पहनने ओढ़ने हैं, उस टाइप के जो मेले ठेले हैं, उस टाइप के उस दिन के उस वक्त के जो आम लोगों में जो मिलजुल के रहने का जो कल्चर था, ठीक है, यहाँ पे बहुत हिंदू देवमालाई अनासिर मिलते हैं, ठीक है, जो जो हिंदुस्तानी अनासिर है, जैसे दिवाली है, या हिंदू देवी देवताओं का कंसेप्ट है, या पंडितों के यहाँ पे नाम मिलते हैं, या यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करने का वो मिलता है, हिंदुस्तानी मिठाइयों के नाम मिलते हैं, हिंदुस्तानी रंग के नाम मिलते हैं। तो यही चीज़ जो है वो बहमनी सल्तनत के टाइम पे, या जब ये उर्दू यहाँ पर आई और लोगों ने अपने एक हुब्बुल वतनी को जताने के लिए इस एरिया को एक अलग समझा, तो इस ये जो है ओवरऑल उर्दू के डेवलपमेंट में एक कार्य नेक साबित हुआ। आप देखिए कि बिल्कुल एक सीरीज़ एक फॉलो हो रही है कि पहले अलाउद्दीन खलजी आए, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आए, उसके बाद में ये आए 14th सेंचुरी में। ये 14वीं सदी ईस्वी में आए, तो वो आए, उसके बाद में 13th में वो आए, ठीक है। तो इस तरीके से उर्दू यहाँ पे आई। लेकिन बहमनी सल्तनत के बाद में भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, वो इवेंट ये था कि बहमनी सल्तनत का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, या वो जो 5 हिस्सों में बट गई, आप इसके नीचे इसको ड्रॉ कर लेना, मैं ऊपर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। बहमनी सल्तनत जब डिसइंटीग्रेट हुई 5 छोटी छोटी सल्तनतों में, तो उसमें से 5 में से, वो 5 में तो डिवाइड हो ही गई थी, लेकिन 5 में से जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जिसमें जिन्होंने उर्दू के क़याम में बहुत अहम रोल प्ले किया है, वो है आदिल शाही और कुतुब शाही। अब बहमनी सल्तनत जो है उसको 5 हिस्सों में वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, वो 5 छोटी छोटी जो रियासतें हैं, या छोटे छोटे जो सल्तनतें थी, वो थी खुद मुख्तार हुकूमतें बोलते हैं उनको, कि एक बरीद शाही है, ये बिदर में थी, ठीक है, बरीद शाही। देन उसके बाद में एक है निज़ाम शाही, उसके बाद में एक है इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट जो उर्दू में बहुत अहम रोल प्ले किए हैं, वो है आदिल शाही और दूसरा है कुतुब शाही। इन दोनों जो इसमें एक और एक है, वो मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख लेना कि एक और कौन सा है, ठीक है। तो इन सल्तनतों ने क्या किया कि अपना जो सरकारी जुबान को इन्होंने और आगे लेके गए, ठीक है, इन्होंने अपने जो कोर्ट में जो इनके पोइट्स हुआ करते थे, तो उनको इन्होंने फ़रोग दिया, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत अफजाई की। देन उसके बाद में इनफैक्ट आदिल शाही और कुतुब शाही में हम आगे देखेंगे कि इनमें बहुत सारे लोग जो बादशाह थे वो खुद शायरी करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शायरी की है। जैसे कुली कुतुब शाह का नाम आपने सुना होगा, कि कुली कुतुब शाह जो है कुतुब शाही दौर में अपने दौर के बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, और वो पहले ऐसे शायर है जो साहिब दीवान शायर है, उनका अपना एक दीवान मतलब उन्होंने लिखा था, तो ये बहुत बड़ी बात है उस वक्त के लिए। अगर आप उस वक्त को इमेजिन करें, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स भी है हिस्ट्री का, या उर्दू लिटरेचर के बारे में जानने का, या उर्दू लिटरेचर या उर्दू का दक्कन में जो इर्तिका हुआ है उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है इन लोगों की जो शेर व शायरी है।
इसके बाद हम देखते हैं कि दक्कन में जो उर्दू गई थी, तो अभी तक तो अप्रोक्सीमेटली ये क्लियर हो गया कि दक्कन में जो उर्दू है वो कैसे गई है और क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। स्पेशली इसमें जो रोल है वो ताजिरों का है, आम लोगों का है और सूफिया इकराम का है। ठीक है, सूफिया इकराम क्या किया करते थे कि अपना जो असल में उनका जो ओरिजिनल मकसद है वो उर्दू को प्रमोट करना नहीं था। उनका ओरिजिनल मकसद था कि दीन की इशाअत करना, और दीन की इशाअत उनको ऐसे जुबान में करना थी कि जो आम लोगों को समझ में आए। तो आम लोगों को समझ में आने वाली जुबान जो थी वो उर्दू थी, और उर्दू को उन्होंने इस्तेमाल किया, और उर्दू को उन्होंने एज अ कम्युनिकेशन बैरियर को ब्रेक करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इससे उर्दू को बहुत बेनिफिट हुआ, उर्दू में नए नए अल्फाज आने लगे। जो बड़े बड़े अल्फाज हुआ करते थे के जैसे तबलीग है या इसी तरह के और जो अल्फाज है, ये आम लोगों तक के पहुंचने लगे, और आम लोग भी उसको उससे फ़ायदा उठाने लगे कि आम लोग उसको जो उनकी आम जिंदगी थी उसी में वो उनका इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से उर्दू को सूफी इकराम से फ़ायदा हुआ। अब हम देखते हैं कि जो बहमनी सल्तनत है, देन आदिल शाही और कुतुब शाही, क्योंकि इन पे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें क्या इनकी क्या खिदमात थी। ओवरऑल खिदमात तो हम आप समझ गए हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ओवरऑल खिदमात दी है। सबसे पहले तो इन्होंने सरकारी ज़ुबानी इसको डिक्लेयर किया, देन उसके बाद में सरकारी ज़ुबानों के बाद में इन्होंने इस पे इनके जो कोर्ट पोएट थे उनको उन्होंने हौसला अफजाई की, उनको वो इनामात और वगैरह से नवाजते थे। देन उसके बाद में ये खुद शायरी वगैरह करते थे। देन इनके जो फेस्टिवल्स वगैरह या जो भी उस टाइम के रस्म और रिवाज थे, ठीक है, वो शायरी में आने लगे थे, और हुब्बुल वतनी का जो कंसेप्ट था वो प्रमोट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों से इन्होंने क्या किया कि उर्दू फ्लरिश होने लगी, उर्दू एक अपने उरूज पर जाने लगी। उर्दू का जो पौधा शुमाली हिंद से जुनूब शुमाली हिंद से जुनूब की तरफ या दक्कन के इलाके की तरफ आया था, वो अब नशोनुमा पाने लगा था। तो उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शायर उमड़ कर आने लगे। उसमें अगर आप देखें तो स्पेशली अगर आप बहमनी सल्तनत में देखें, क्योंकि जब हम बहमनी सल्तनत पे अगर कभी आंसर लिखे कि बहमनी सल्तनत के आप खिदमात बयान कीजिए, तो बहमनी सल्तनत में आप बहमनी सल्तनत का जो हमने अभी चीज़ें डिस्कस की है वो तो लिख ही देंगे, लेकिन अगर हम इनमें कुछ राइटर्स या जो कुछ पोइट्स है या कुछ जो नसर निगार है, अगर हम उनके नाम अगर हम मेंशन करते हैं, तो इसमें मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कि आप जब अगर कभी दो तीन अगर आप तीन तीन से चार अगर आप नाम भी कोट कर दें तो काफ़ी है, अगर आप एक के ऊपर लिख रहे हो। दक्कन में उर्दू, उसमें हम देख रहे हैं बहमनी सल्तनत, और बहमनी सल्तनत में अगर हम देखें कि किन किन लोगों ने उसमें मतलब रोल प्ले किया है, अभी हम जो देखेंगे ये दो पार्ट हम कंबाइन देखेंगे। एक है तो बहमनी सल्तनत ने क्या रोल प्ले किया है, दूसरा है आदिल शाही ने क्या रोल प्ले किया उर्दू के डेवलपमेंट में। ये एक एक क्वेश्चन आते हैं, और पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन कुतुब शाही ने क्या रोल प्ले किया है, ठीक है, तो ये अलग अलग देखेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली हम और एक चीज़ भी कवर करेंगे कि इसमें जो बहुत सारे नाम आएंगे वो बहुत सारे सूफिया इकराम के नाम हैं। तो क्योंकि बहुत सारे सूफिया इकराम जो थे वो अपनी कोई जो मलफूजात है वही बस उनके मिलते हैं, उनका कोई ऐसे अलग से कोई बुक नहीं मिलता, तो बहुत कम ही नाम हमारे पास में है कि दक्कन के सूफिया इकराम के जो नाम हैं, तो वो इसी लिस्ट में आपके एक साथ में दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यही नाम आपको अगर सूफी अकराम पे क्वेश्चन आ जाता है तब भी यही नाम लिखने हैं, और इसमें से कुछ को अलग हटा देना है जो सूफी अकराम नहीं है, और सूफी अकराम के नाम लिख देने हैं। देन अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि बहमनी सल्तनत के खिदमात को लिखिए, तो बहमनी सल्तनत में हम जो नाम लिखेंगे वो लिख देना है आपको, आदिल शाही वाले नाम लिख देना है, और कुतुब शाही वाले नाम लिख देना है, और उसमें कुछ किताबों के नाम उनके हैं जो अगर आप कोट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कि सबसे पहला इसमें नाम आता है गंजुल एल्म, शेख
गंजुलेल, इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे रिसाले लिखे हैं, ठीक है, तो ये का नाम आता है। दूसरा नाम आता है इसमें ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, इनके कुछ बुक के नाम आते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है, लेकिन जितना मेरे पढ़ने में आया है कि मेराजुल आशिकीन इनकी एक बुक है, उसके बाद में हिदायतनामा इनकी एक बुक है, इसके अलावा भी है, ठीक है, लेकिन आप वही लिखिए, बहुत कम लिखिए, लेकिन वो जो आप मतलब याद कर सकते हो। जमील जालबी ने इसको शायद रद्द किया है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, ठीक है। देन उसके बाद में फखरुद्दीन निज़ामी है, वो भी इन्हीं के बहमनी सल्तनत के टाइम पे उर्दू में काम किया करते थे। और इनकी एक मसनवी है जो बहुत मशहूर है, जिसको उर्दू की पहली अहम और मशहूर मसनवी के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम है कदम राव पदम राव, ठीक है। तो ये कदम राव की जो मसनवी है। फिर उसके बाद में फोर्थ एक नाम आता है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, वो है शमशुल इशाख। शमशुल इशाक साहब ने जो इसमें काम किया है, वो उन्होंने दो बुक किताबें लिखी है, एक खुशनामा और दूसरा लिखा है शहादतुल हकीकत। शहादतुल हकीकत तो ये दो किताबें उन्होंने लिखी है। उसके बाद में इसमें फिफ्थ जो नाम आएगा, ठीक है, वो है सैयद अशरफ बयाबानी। सैयद अशरफ बयाबानी का नाम है, जिन्होंने वाहिद बारी, इनकी दो किताबों का नाम है वाहिद बारी और दूसरी का नाम है नौ सरेहार। ये नाम थोड़े याद करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, रट्टा मारो, और इनको रट्टा मार के ही मतलब इनको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में एक और एक नाम है सैयद अब्दुल्ला हुसैनी, निशाते इश्क का तर्जुमा उन्होंने उर्दू में किया था। अब्दुल्ला हुसैनी का नाम आप लिख सकते हैं। एक लास्ट नाम है, और भी नाम है इसमें, लेकिन मैंने इतने ही शॉर्टलिस्ट इसलिए किए थे ताकि आप याद रख पाओ, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन मालूम होने से ज़्यादा ये भी आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन की यूटिलिटी है क्या नहीं। ठीक है, तो जब भी आप लिखिएगा कि बहमनी सल्तनत के उर्दू में खिदमात पे अगर आप कुछ नोट्स लिख रहे हैं या कोई आंसर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले बता दीजिए जो कंटेक्स्ट हमने पहले देखा कि किस तरीके से बहमनी सल्तनत ने पूरा काम किया है, उसके बाद में आप जस्ट इन नामों का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका आंसर बहुत परफेक्ट बन जाएगा और आप उसको एक अच्छे कंक्लूजन से आप कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे आदिल शाही जो बीजापुर में थी, आदिल शाही इसमें आ जाएगा। आदिल शाही में जो है तो इब्राहिम आदिल शाह का नाम बहुत मशहूर है, स्पेशली इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, तो उन्होंने किताबें नौरस लिखी है। इसमें चार पांच नाम है, ठीक है, बस यही आपको याद रखने हैं और इन्हीं का नाम आपको लिखना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है जो हमने बहमनी सल्तनत में डिस्कस किया है कि किस तरीके से वहाँ पे मतलब अलग अलग लोगों ने क्या क्या बुक्स लिखे हैं, क्या क्या काम किया है। तो इसमें सबसे पहला एक नाम आ जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाह सानी, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह सानी की एक किताब है किताबे नौरस, जो कि उस वक्त ही एक बहुत मशहूर किताब है, तो इसलिए इब्राहिम आदिल शाह का नाम जो है वो आज भी हिस्ट्री में मतलब उर्दू से रिलेटेड याद रखा जाता है। अब जब आदिल शाही की बात करेंगे तो इब्राहिम आदिल शाह का नाम ज़रूर लिखना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में आपको एक इनके वक्त के तीन और बहुत बड़े शायर थे, ठीक है, जो अपने अपना उर्दू में एक मुकाम रखते हैं। अगर आपको उनको ऐसे याद करना है तो नुसरती, हाशमी और रुस्तमी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ताकि वो एक साथ ही आपको याद हो जाए कि नुसरती, रुस्तमी और हाशमी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इब्राहिम का वो भी आप यहाँ पे या तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए कि NRI, मतलब नुसरती, रुस्तमी, इब्राहिम आदिल शाह और हाशमी, ठीक है। तो सेकंड आप सेकंड हम देखेंगे कि नुसरती है। नुसरती की जो किताबें हैं वो है गुलशने इश्क, ये एक इश्की इश्किया मशनवी है, मसनवी है। ये इश्किया मशनवी है। आप साथ ही साथ ये सारी चीज़ें नोट करते रहे ताकि आपको जब आप अपने अपना रिवीजन करेंगे तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद में उनकी एक और एक किताब है जो मसनवी का मजमुआ है, अलीनामा। अलीनामा उनकी एक किताब है, ये एक पहली रज़मिया नज़्म है। रज़मिया, पहली रज़मिया नज़्म है ये, ठीक है, अलीनामा जो है। और रुस्तमी जो है, नुसरती जो है, नुसरती जो है तो उस वक्त के अपने मुल्क शौरा भी रहे हैं, तो इसलिए भी वो बहुत मशहूर है। उसके बाद में सेकंड नाम आता है इसमें, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, वो है हाशमी। हाशमी साहब ने जो बुक लिखी है वो लिखी है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा, ठीक है, ये एक है, एक मसनवी है, और इनका एक अपना दीवान भी इन्होंने, हाशमी साहब ने लिखा है। लेकिन उसके बाद में आपके बाद इसमें थर्ड नाम, फोर्थ नाम आता है, वो है बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, रुस्तमी। रुस्तमी जो है उन्होंने खावरनामा लिखा है, ठीक है। इस तरीके से रुस्तमी ने जो खावरनामा लिखा है, खावरनामा एक जो एक तवील मसनवी है जिसमें 24,000 शेर है, और इसको एक अदबी मौजजा कहा जाता है। कितने? 24,000 इसमें शेर है, इसको अदबी मजमुआ कहा जाता है, मौजजा कहा जाता है, अदबी मोजज़ा। तो ये चार है, रुस्तमी एक हो गया इसमें, ठीक है। इसके बाद में और एक नाम इसमें आता है जो बुरहानुद्दीन जानम का नाम है, जिन्होंने इरशादनामा और कलमतुल हकायक लिखा है, तो मैं वो नाम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप उसके नीचे लिख लेना इसको कि बुरहानुद्दीन जानम। बुरहानुद्दीन जानम साहब ने इरशादनामा, इनकी दो किताबें हैं, इरशादनामा और कलमतुल हकाइक। जब हम प्रिपेयर करते थे तो हमको याद नहीं होता था कि मतलब ये किताबों के नाम है। क्या कभी क्या होता था कि आदिल शाही के जो नाम है वो कुतुब शाही में चले जाते थे, कुतुब शाही वाले जो नाम है वो बहमनी सल्तनत में चले जाते थे, तो हम कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया करते थे। जैसे ये एक मैंने बताया कि मतलब NRIH जो है उससे आप ये सीरीज़ याद रख सकते हो। देन उसके बाद में ऐसे हम याद कर सकते हो कि बुरहानुद्दीन जानम ने कलमा इरशाद किया, तो उससे आप वो नाम याद रख सकते हो। इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे ये याद रह सकता है। इसके बाद में थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कुतुब शाही। कुतुब शाही और आदिल शाही और बहमनी सल्तनत पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और इसमें आपको मैंने अप्रोच बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल आपको, आप इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो
आप पहले वो जो हमारी चीज़ें बातें डिस्कस हुई कि किस तरीके से हमको एक अप्रोच लेना है, वो अप्रोच आप रखिए। उसके बाद में जहाँ आपको सुइटेबल लगता है, ये चार चार पांच पांच जो एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप कोट कीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, आपके आर्ग्यूमेंट जो है वो एक सब्सटेंस के साथ में आप उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद में कुतुबशाही है, कुतुबशाही दौर में भी उर्दू में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो उर्दू के जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें कुतुबशाही के जो रोल है, ठीक है, सबसे पहला हम इसमें भी जब हम टारगेट करेंगे तो सरकारी ज़ुबान वाला बात लाएंगे, उसके बाद में आवाम में जो आम फैली है, ठीक है, तबीयत तो इशाद जो हुई है इसमें, जो मतलब जो फैली है ज़ुबान, देन उसके बाद में शेर व शायरों को जो एक मर्तबा मिला है सोसाइटी में, तो वो वाला एक पार्ट आएगा। देन उसके बाद में आप इसमें जब आएंगे तो आप देखना कि इसमें जो इनके बादशाह है, ठीक है, स्पेशली वो उन बादशाहों का बहुत बड़ा रोल आता है कि उन बादशाहों ने क्या किया है कि उर्दू को खुद उर्दू उर्दू में जब खुद शायरी की है तो उन्होंने उर्दू को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कि कुली कुतुब शाह, अब यहाँ पे ये कुतुब शाही है इसलिए कुली कुतुब शाह, तो आपको एक शायर का नाम तो इसमें ऐसे ही याद हो गया कि कुली कुतुब शाह है, उनका एक था कुलियात कुली कुतुब शाह, कुलियात कुली कुतुब शाह। इसमें क्या किया है इन्होंने कि इसमें इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं और नज़में लिखी है। ये एक ऐसे शायर है जिन्होंने, ये ऑलराउंडर है, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली हर सिंफ में अपना फ़न को आजमाया है, ठीक है, अपना इन्होंने एक छाप छोड़ी है हर फन में उन्होंने, मतलब जैसे कि गज़ल है, गीत है, मसनवी है, रुबाई है, एवरीथिंग, ठीक है, आप जो भी नाम लेंगे उसमें इन्होंने काम किया है। और इनकी जो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो काम किया है उसमें उन्होंने कम से कम 50,000 उन्होंने शेर 50,000 से ज़्यादा उन्होंने शेर लिखे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े शायर हैं। उसके बाद में आप सेकंड नाम लिखिए, इसमें नाम आ जाएगा इसमें मुल्ला वजही का, मुल्ला वजही का नाम आ जाएगा कि कुतुब इन्होंने जो इस पे लिखा है। इनकी सबसे मशहूर किताब है एक, वो है कुतुब मश्तरी। अब इन्होंने किसी तरीके से जो ये कहानी लिखी है ये कहीं ना कहीं कुली कुतुब शाह से ही रिलेटेड मानी जाती है, समझी जाती है, लेकिन उसमें उन्होंने कुली कुतुब और मश्तरी के दोनों के प्यार की कहानी लिखी है। और दूसरा इनका किताब का नाम है सबरस। जो सबरस जो है वो नसर का पहला नमूना माना जाता है। इसको नसर का पहला नमूना माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी कुली कुतुब शाह पे लिखिएगा तो ये ज़रूर लिखिएगा और ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप कुली कुतुब शाह को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप उनको उनके इस काम को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप ये मेंशन कीजिएगा। तो ये क्या है कि आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, अगर आप ये सारी चीज़ें लिख पाओ तो एक बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। और उसके बाद में इसमें थर्ड जो एग्जाम्पल हम देंगे वो हम देंगे गव्वासी। गव्वासी साहब ने जो लिखा था वो लिखा है उन्होंने तोतानामा। तोतानामा और मैना सतवंती। देखो आपको नाम दिख रहा है हिंदुस्तानी, जैसे मैना सतवंती, ठीक है, तोतानामा, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा हिंदुस्तानी टच यहाँ पे मिलता है। देन उसके बाद में इसमें सबसे लास्ट जो है वो है इब्ने निशाती। ये भी एक बहुत बड़े उस वक्त के उर्दू में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़े शायर रहे हैं। इन्होंने लिखा है फूल बिन। अब हम जब याद करते थे तो इसको ऐसे याद करते थे कि फूल बिन इब्ने निशाती, ठीक है, या तो गव्वासी साहब जो है इनको तोता और मैना बहुत पसंद है, तो
तो इस तरीके के हम याद करते थे, ठीक है। मुल्ला वजही को हम कहते थे कि ये इनका मतलब इन्होंने कहानी लिखी है, तो मतलब ये इनके असिस्टेंट्स वगैरह हो गए, इसलिए उनको सारी चीज़ें पता थी, तो उन्होंने कुतुब मशतरी लिखी, ठीक है। याद रखने के लिए थोड़े बहुत बहाने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए मतलब एक शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप, MIGQ, ठीक है, कि मुल्ला वजही, इब्ने निशाती, गवासी, कुली कुतुब शाह। तो इस तरीके से आप ये चार पांच एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं आप। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो शुमाल से उर्दू दक्कन में आई, दक्कन में वो किस तरीके से मतलब डिफरेंट सल्तनतों ने उसमें काम किया। हमने कुली बहमनी सल्तनत देखी, वो पूरा ट्रांजिशन फेज़ देखा। ट्रांजिशन फेज़ के बाद में हमने बहमनी सल्तनत के एग्जांपल्स और उनमें जिन लोगों ने काम किया उनके नाम देखे, कुछ सूफिया कराम के नाम उसमें थे। देन उसमें उसके बाद में हमने आदिल शाही के नाम देखे, देन उसके बाद में हमने कुली कुतुब शाह या कुतुब शाही के हमने नाम देखे। इसके बाद अभी कुछ दो चीज़ें इस टॉपिक में बच जाती है, वो है कि एक या यहाँ पे क्यों मतलब फ्लरिश हुई, असबाब क्या थे, तो उसको एक असबाब को हम स्पेशली अलग से डील करेंगे। और दूसरा कि उर्दू दक्कन में उर्दू के जो लिसानी खसूसियात थे या दक्कनी उर्दू के जो लिसानी खसूसियात थे, वो एक हम अलग से देखेंगे, ठीक है।